24 जून को सुबह 10:15 बजे एक स्टूडेंट जिसने मालाड से ट्रेन पकड़ी, मालाड से अंधेर की तरफ जा रहा था, ट्रेन जब गोरेगांव क्रॉस हुई तब सिग्नल पोल पे खड़े हुए ये आरोपी ने उसके हाथ में जो रॉड था वो उससे उसको सर पे फटका मारा और उसकी वजह से ये स्टूडेंट गिर गया नीचे। वो गिरने के बाद उसने उसका मोबाइल छीन लिया और बैग भी छीनने की कोशिश कर रहा था, तो उसने वो बैग पकड़ के रखी थी तो नहीं दे रहा था, इसके लिए उसने उसको पत्थर से मारा, 2-4 बार पत्थर से मारा उसने और वो मोबाइल लेके भाग गया। ये आरोपी है दीपक किशन भोड़कर। ये इसके ऊपर रेलवे में काफ़ी केसेस है और पता चला है कि सिटी पुलिस में भी इसके ऊपर काफ़ी केसेस है। इसके पास से हम लोगों ने भी वो जो रॉड से मारा था वो रॉड रिकवर किया है और उसके घर में झड़ती लेने के बाद 10 चोरी के मोबाइल रिकवर हुए हैं। ये काफ़ी सालों से कर रहा था ये, और लेकिन ये अभी पकड़ा गया है यहाँ पे। और लोग शामिल, मतलब इसके मोबाइल खरीदने वाले बहुत बड़ा रैकेट है इसमें, तो हम लोग इसकी जड़ तक पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अभी रिकवरी करेंगे। दिनांक 24 जून 2019 रोजी सकाळी 10:15 वाजता एका विद्यार्थ्याने मालाड येथे ट्रेन पकडली, त्याला अंधेरीला जायचे होते। गोरेगाव ट्रेन क्रॉस झाल्यावर सिग्नल पोलवर उभे असलेल्या आरोपीने त्याच्या हातातील रॉडने त्याच्या डोक्यावर कानाच्या मागे फटका मारला, त्यामुळे हा विद्यार्थी खाली पडला आणि तो गंभीर जखमी झाला। नंतर त्याने या आरोपीने त्याच्याकडचा मोबाईल हिसकावून घेतला आणि परत त्याची बॅग हिसकावून घेत असताना त्यांनी फिर्यादीने बॅग दिली नाही म्हणून त्याने त्याला दगडाने परत मारहाण केली आणि तो मोबाईल घेऊन तो पळून गेला। इसका बॅकग्राऊंड चोरी काही आहे, सॉरी, याचं बॅकग्राऊंड चोरीचंच आहे। या रेल्वेमध्ये बरेच त्याच्यावर गुन्हे दाखल आहेत आणि असे समजले की सीटीव्हीमध्येही त्याच्याविरुद्ध बरेच गुन्हे आहेत। याच्याकडनं आम्ही आता ज्या रॉडने मारहाण केली तो रॉड रिकवर केला आहे आणि त्याच्या झडतीमध्ये घरझडतीमध्ये आम्ही 10 मोबाईल चोरीचे मोबाईल रिकवर केलेले आहेत। आरोपी मागे फार मोठं रॅकेट आहे, तर त्या रॅकेटच्या मुळापर्यंत आम्ही आता लवकरच पोहोचत आहोत।